यह सिपाही आकर्षित महिला के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड में महिला ने उसे एक इंजेक्शन लगाया। इस समय उनके अंगरक्षक आते हैं। भले ही उसने एक लंबी पोशाक पहनी हो, लेकिन यह उसकी पेशेवर चाल चलन को प्रभावित नहीं करती। फिर उसने अपने चेहरे पर खून लगाया और वह सफलतापूर्वक निकल जाती है। उसका नाम अवा है, जो एक पेशेवर हत्यारी है। वो किसी भी हत्या के प्रयास का सामना कर सकती है और कभी भी छोटी से छोटी गलती नहीं करती। कुछ दिनों पहले जब उसने खुद को एक पिकअप ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण किया, तो वो सफलतापूर्वक लक्ष्य के पास पहुंची। पिछली सीट पर बैठा बॉस अवा के बात करने के सुरुचिपूर्ण और सुंदर तरीके से आकर्षित होता है। उसने सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया कि वो उसकी स्पष्टता को खरीदने के लिए एक उच्च कीमत चुने। बेशक अवा ने मना नहीं किया और कार को एक सुनसान जगह पर ले गई। वो पीछे की सीट पर चली गई। उसके हार्मोन तुरंत हिल गए, लेकिन अवा के सवाल ने उसे थोड़ा भ्रमित कर दिया। कोई क्यों नहीं जीना चाहेगा? और फिर अवा ने एक बंदूक निकाली। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी और फिर उसने सोचा, शायद यह सिर्फ उनके सहायक द्वारा बनाया गया मजाक है। जब वो पुष्टि करने के लिए फोन करने वाला था, अवा ने उसके हाथ में गोली मार दी। तीव्र दर्द ने उसे एहसास कराया कि उसके विचार कितने निर्दोष थे। वो घबरा गया और उसने अवा को बताया कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक मनी लॉन्डर है। जब अवा खिड़की से बाहर देख रही थी, वो चुपके से जाना चाहता था। नतीजतन उसे फिर से गोली मार दी गई और यह सब कुछ दूर मोटरबाइक चला रही एक लड़की ने देखा। हालांकि अवा कभी असफल नहीं हुई। हर बार जब वो एक मिशन करती है, वो हमेशा मरने वाले के साथ जीवन के बारे में दृष्टिकोण के बारे में बात करती है। इसलिए उसने मिशन को सुनिश्चित करने के लिए उसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजा। अवा एक बहुत ही प्रतिभाशाली हत्यारी है। 8 वर्षों के अनुभव के साथ उसने विभिन्न पेशेवर कौशलों में प्रशिक्षित किया है। उसने अभी अभी हुई हत्या सहित 40 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मार गिराया था। अवा इस तरह की हत्याओं से काफी थकी हुई लगती है। संगठन द्वारा अनुमोदित होने के बाद वो बोस्टन में अपने गृहनगर वापस चली जाती है। वो एक होटल में रहती है। वो कमरे के हर नुक्कड़ को ध्यान से देखती है। साल भर खतरे में रहने से उसकी सतर्कता बहुत अधिक हो गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एक नया मिशन मिला। जाने से पहले वो अपनी बहन से मिलने गई, जिसे उसने 7-8 साल से नहीं देखा था। उसकी बहन काफी निजी थी क्योंकि उसे अपने परिवार की देखभाल करनी थी। उसके पिता का निधन हो गया। उसकी माँ को हृदय रोग के कारण बहुत पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अवा को यह बातें नहीं पता थी। अपनी माँ को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा देखकर उसे अपने लिए बहुत खेद होता है, लेकिन वो असहाय हो जाती है। वो अपने परिवार को अपनी असली नौकरी के बारे में बताने की हिम्मत नहीं करती। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो अपनी माँ के दिमाग को शांत करने वाली दुनिया की 500 सबसे मजबूत महिलाओं में से एक है। एक बैठक के बाद अवा को फिर से एक मिशन पर जाती है। इस बार निशाना हथियार डील था। संगठन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अवा एक सेलिब्रिटी होने का दिखावा करती है। जनरल की बांह पकड़कर वो खुलकर मजाकिया और शिष्टता से बात करती है। वो जल्दी से सामान्य को आकर्षित करती है। वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए एक साथ ऊपर जाने का सुझाव देती है। उनके बगल में 2 उप जनरल भी थे जो चले जाते हैं। होटल में सिपाही गूंगा, डरा हुआ और दर्द में था। अवा ने उसे एक रंगहीन गंधहीन दवा का इंजेक्शन लगाया। वो हिल नहीं सकता, केवल सांस ले सकता था। करीब 15 मिनट बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा और उनकी मौत हो जाएगी। अवा ने इस मौत को सामान्य मौत की तरह करने की व्यवस्था की। सब कुछ बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था, लेकिन जीवन की खोज में उसकी रुचि फिर से प्रकट हुई। इस समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वो वाइस जनरल था। अवा चाकू उठाती है, फिर उसने वाइस जनरल पर चाकू फेंका। दूसरे को भी उसने द्वारा गोली मारी। अवा उस खुफिया जानकारी को जानती थी जो संगठन उसे भेजता था। एक महत्वपूर्ण चरित्र के नाम में एक अक्षर गायब था। दोनों ने यह भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और स्थिति की जांच करने के लिए वो दौड़ पड़े। कुछ गार्ड भी भागे, लेकिन यह अवा की लड़ने की क्षमता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता था। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद अवा पूरी तरह से जीत जाती है। जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए उसने अपने चेहरे पर खून लगा लिया। वो हर संभव मदद की गुहार लगाती है और पीड़ित होने का नाटक करती है। नीचे जाने के बाद वो सभी का ध्यान भटकाने के लिए स्मोक बम का भी इस्तेमाल करती है। परिणाम स्वरूप इस स्थान को छोड़ना आसान हो गया। यह विफल ऑपरेशन अवा को संगठन के लिए संदिग्ध बनाता है। उसका प्रशिक्षक उसे किसी व्यक्ति से बात करने की सलाह देता है। यह झूठी बुद्धि है, लेकिन इसे जाने देना अच्छा है, नहीं तो दोनों मारे जाएंगे। पैसे पाने के लिए उसे बस अपना काम अच्छी तरह से करने की जरूरत थी। शिक्षक द्वारा डांटे जाने पर वो ऐसा कभी नहीं करने का वादा करती है। परेशानी से बचने के लिए वो उसे संदेह से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए छिपने के लिए कहता है। अवा ने भी इस समय का फायदा उठाकर अपनी माँ से अस्पताल में मुलाकात की। अप्रत्याशित रूप से वो अपने पूर्व प्रेमी माइक से मिलती है, पर अब उसे उसकी बहन से प्यार हो गया था। तीनों के बीच का माहौल बड़ा अजीब था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी माँ चाहती थी कि वो तीनों एक साथ डिनर करें। इससे अवा अपने अतीत को याद करती है। उस समय माता पिता की शादी में सामंजस्य नहीं था। उसके पिता ने धोखा दिया और उसकी माँ ने परवाह नहीं की। ऐसे दुखी परिवार में वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थक जाती है। फिर उसे गलती से शराब की लत लग जाती है और यहाँ तक शराब पीकर गाड़ी चलाकर लोगों की जान भी ले ली। इससे अवा खुद का सामना करने में असमर्थ हो जाती है। वो घर छोड़ने का फैसला करती है। उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण बॉस ने इस लड़की की महान क्षमता को देखा। उसे एक उत्कृष्ट हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। 2 वर्षों में 41 मिशनों का उत्कृष्ट समापन। लेकिन इतने अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद अवा खुद की तरह नहीं रह सकती। वो लंबे समय से भ्रमित और विचलित थी। दूसरी तरफ बॉस को साइमन नाम का एक आदमी मिला। वो संगठन के नेता थे और बॉस के पूर्व छात्र भी। उसे उम्मीद थी कि साइमन अवा को जाने दे सकता है, लेकिन साइमन और अवा ने 2 साल पहले एक दूसरे से बात करने के बाद एक लक्ष्य निर्धारित किया था। वो संगठन के साथ रहता है। एक बार जब उसके पास जाने का विचार आया, तो यह एक टिक-टिक टाइम बम की तरह था। शायद एक दिन वो बुरी तरह मर जाएगी। बूढ़े आदमी के अनुने के तहत हालांकि ऐसा लगता था कि साइमन अवा को जाने देने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन उसने गुपचुप तरीके से अपनी ही बेटी का इंतजाम किया। यह वो लड़की थी जिसने कुछ दिन पहले अवा से निपटने के लिए मोटर की सवारी की थी। जहां तक वृद्ध व्यक्ति का प्रश्न है, उसे अस्थायी रूप से जाने दिया। उस दिन अवा हमेशा की तरह रात में दौड़ती है। उसने जल्दी से महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है।
हत्यारा जानता था कि वो बेनकाब हो गया था और एक चाकू निकालता है। अवा लंबे समय से मानसिक रूप से तैयारी कर रही थी, वो उसे जमीन पर पटक भी देती है, लेकिन आखिरकार वो एक पेशेवर हत्यारा है, फिर भी बहुत आक्रामक है। वो दोनों भीषण युद्ध लड़ते हैं। कुछ राउंड के बाद अवा का हार मानती है और भाग जाती है। वो एक बंदूक निकलता है, अवा फव्वारे के नीचे छिप जाती है। वो अचानक निकलती है और उस पर हमला करती है। अगले दिन अवा बूढ़े आदमी से मिलती है। वो पूछती है कि क्या यह संगठन की योजना थी। वो उसे कहता है कि वो शुमोन को देखने आया था। वो उसे जाने देने के लिए तैयार हो गया। और यह हत्यारा सिर्फ एक फ्रांसीसी कमांडो था जो ड्रग्स का आदी था और सेवानिवृत्त हो गया था, तो कोई और उसे मारना चाहता था। उन्होंने कहा कि वो मामले की गहन जांच में उसकी मदद करेंगे। एक दिन उसकी बहन उसे खोजने के लिए होटल जाती है। उसे कहा कि उसका बॉयफ्रेंड माइक जुए का आदी है और अक्सर रात में बाहर जाता है। अवा ने दृढ़ता से कहा कि वो इसका ध्यान रखेगी। तब उसे वो जुए की जगह मिलती है। लेडी बॉस ने तुरंत देखा और महसूस किया कि यह लड़की 8 साल पहले यहाँ शराब पी रही थी। उस समय यहाँ उल्टी हो गई। वो अवा पर हंसती है क्योंकि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवा इसे अनदेखा करती है। दो टूक कहती है कि वो यहाँ माइक को लेने के लिए आई है। महिला उसे गंभीरता से न लेकर उसका तिरस्कार करती है। बताया कि माइक पर 80,000 युआन का बकाया है, वो यहाँ से आसानी से नहीं जा सकता। फिर ठगों को बुलाती है, लेकिन अब की अवा अब उस समय की कमजोर लड़की नहीं थी। जोरदार प्रहार किया, यह लोग उसके विरोधी नहीं थे। सफलतापूर्वक निकल जाती है। माइक उसकी हरकतों से हैरान था। क्या वाकई वो वंडर वुमन है? दरअसल बूढ़ा लंबे समय से जानता था कि यह साइमन था जिसने हथियारों को भेजा था। उन्होंने साइमन को फटकार लगाई। साइमन ने कहा कि कभी कभी केवल अजीब साधनों का उपयोग करना संभव होता है और बूढ़े को उसके कार्यों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। जब दोनों के मन में एक ही विचार न हो तो बूढ़ा एक पिस्तौल निकालता है, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार लड़की जल्दी से उसकी पिस्टल ले लेती है। वो उसकी पिटाई करता है। शिमोन उस पर लपका और वो दोनों लड़ते हैं। शुरुआत में साइमन का बूढ़े आदमी के लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वैसे भी बूढ़ा हो गया था, अपनी शारीरिक शक्ति को अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकता। लेकिन उसने फिर भी कुछ अधीनस्थों की गोली मारकर हत्या कर दी। अंत में वो साइमन के हाथों मर जाता है। साइमन द्वारा अपने खूनी दृश्य की तस्वीर लेने के बाद तुरंत उसे झील में धकेल देता है। फिर वो अवा को फोन करता है और उसे कहता है कि उसने बूढ़े आदमी को मार डाला और अवा अगली होगी। इन तस्वीरों को देख अवा दर्द और आक्रोश से भर गई। एक टूटे हुए दिल के साथ वो माइक के लिए सीधे चली जाती है और उसे चूमती है। वो माइक से विनती करती है कि वो उसे इन सब चीजों से दूर ले जाए, लेकिन माइक ने मना कर दिया क्योंकि उसकी बहन गर्भवती थी। अवा की आंखें खुल जाती है। वो यह भी जानती थी कि उसका व्यवहार कितना शर्मनाक और अनैतिक है। दर्द के बाद उसने हर चीज का बहादुरी से सामना करने का फैसला किया। सबसे पहले वो अकेले कैसीनो में प्रवेश करती है। सभी मेहमानों को बाहर निकालने के बाद वो मालकिन को धमकाता है और कहता है कि वो एक हत्यारा है। वो अवा पर बहुत भरोसा करता है और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। $80,000 से भरा बैग फेंकने के बाद अवा चली जाती है। वो घर जाती है और अकाली पीती है। 8 साल बाद दोबारा शराब पीने का यह उनका पहला मौका था, जिस वजह से अवा अब इस चीज को छू रही थी। वो मरने से पहले सिर्फ शराब को पीना चाहती थी, लेकिन वो जब बंदूक ठुड्डी पर रखती है वो ट्रिगर नहीं खींच पाती। अचानक वो किसी को अपना कार्ड स्वाइप करते हुए सुनती है। यह साइमन है। बेशक अवा और आत्महत्या नहीं करेगी। साइमन को बाथरूम तक ले जाने के लिए बहते पानी की आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए उस पर बंदूक से हमला करती है। बंदूक के गोला बारूद खत्म होने के बाद अवा केवल अपने नंगे हाथों से ही लड़ सकती थी। वो सख्त रूप से साइमन के हाथ से बंदूक चुराती है। साइमन ने बंदूक नहीं छोड़ी। अगर अब उसकी बंदूक चोरी हो गई, तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। दोनों को बूढ़े आदमी ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए उनके कौशल लगभग बराबर थे। अचानक एक आवाज आती है। साइमन लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं करता, तुरंत उठता है और चला जाता है। अवा जल्दी से कपड़े पहनती है और उसका पीछा करती है। साइमन पहले चलता है। अवा ने पीछा करना बंद नहीं किया, उसने बूढ़े आदमी का बदला लेने का फैसला किया। साइमन के ओवरपास को पार करने के बाद अवा ने गोली मारी। सियामोन अब और नहीं चल सकता था। अब वो अवा से अपने परिवार को नुकसान न पहुंचाने की विनती करता है। वो उससे धागे के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन अवा ने इस बात पर सहमति जताई कि वो बूढ़े आदमी के बारे में फिर कभी एक शब्द नहीं कहेगी। मजबूत और निर्णायक एक शॉट ने साइमन की जान ले ली। उसके बाद अवा लगातार अपनी बहन की तलाश करती है। उसे $500,000 के साथ एक अपतटीय खाता देती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। इस राशि से वो अपनी बहन को अपने प्रेमी और माँ के साथ तुरंत देश छोड़ने के लिए कहती है। फिलहाल बहन को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो समझती है कि इस बार यह निश्चित रूप से मजाक नहीं है। अब तक अवा ने अपनी बहन को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। माइक अवा को एक पत्र निकालता है जो उसे कल मिलता है। पत्र बूढ़े व्यक्ति द्वारा पहले भेजा गया था। इस पत्र में कहा गया है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं। अवा ने घूमने का फैसला किया और इस जगह को छोड़ दिया। क्या वो पूरी तरह से संगठन से भागकर एक सामान्य व्यक्ति बन पाएगी? परिवार के साथ खुशी का आनंद ले सकते हैं? हमें पता नहीं। फिल्म अवा वाकई बहुत अच्छी है। यह हमें एक महिला हत्यारा दिखती है जो बच जाती है। उसके नाजुक दिल और उसके जागरण के साथ साजिश में विसंगतियां भी है, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह एक जरूरी फिल्म है। यह समझ से बाहर है कि अभिनय स्कूल इसे नहीं बचा सकता। ठीक है, यह रहा फिल्म का अंत। आपका दिन शुभ हो। बाद में मिलते हैं।